शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जिस तरह के हमारे फौजी नौजवान भी शहीद हुए हैं और चाइनीज पे जो हमारे दोस्त हैं उनके मामलों पर भी हम सीरियस कंडेम करते हैं, पूरा ईवान इसके ऊपर। फैसलाबाद में हालिया दिनों में जी एक 22 साल बच्चा आसिफ इशफाक मोटरसाइकिल पे आ रहा था और पतंग की डोर से उसकी गर्दन जो है वो तन से जुदा हो गई। जनाब स्पीकर साहब, मैं इस मौका पर ये चाहता हूँ कि उनके लिए दुआ भी की जाए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कोई खासा इनिशिएटिव नहीं लिया। मैं समझता हूं कि जनाब स्पीकर साहब, इस ईवान में हमें इत्तफाक राय कायम करके इस पर कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जो कि पूरे पाकिस्तान में पैगाम जाए कि जो लोग रिश्वत लेकर ये डोर बना के दे रहे हैं, जो इदारे मुलव्वस हैं जी। ठीक है, ठीक जी डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब जी माइक खोल देंगे। जनाब स्पीकर साहब, जो जिस इलाके में इस तरह का कोई वाकया पेश आए, मैं समझता हूं कि जो जरा सी पैसे लेकर जो बना के दे रहे, जो डोर बना के देने की इजाजत दे रहे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आसिफ इशफाक के लिए दुआ करना बहुत जरूरी है जनाब।